नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। दो पक्षों के बीच हुए बवाल के बाद जिलाधिकारी अविनाश कुमार व पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने स्वयं मौके पर पहुंचकर लिया स्थिति का जायजा। हरदोई के पाली में युवक से विवाद के बाद एक पक्ष ने समूह के रूप में पहुंचकर पीड़ित के घर पर धावा बोलकर किया था पथराव व फायरिंग। बवाल के कई वीडियो हुए थे वायरल। स्थिति संभालने के लिए कई थानों के पुलिस बल ने संभाला था मोर्चा। दो समुदायों के बीच हुए बवाल को लेकर क्षेत्र में स्थिति बन गई थी तनावपूर्ण। पुलिस प्रशासन ने सूझबूझ से मामले को किया नियंत्रित। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पीड़ित पक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज करके की जा रही है कड़ी कार्रवाई व दोषियों की होगी शीघ्र गिरफ्तारी। पूरा मामला इसमें ये ज्ञात हुआ है, यहाँ कस्बे में एक हिंदू युवक का कुछ मुस्लिम युवकों से विवाद हुआ था। इनमें से कुछ द्वारा आज शाम को उसके घर पर धावा बोला गया, धमकाया गया, जिसकी तहरीर सूचना थाने पर दी गई। इसके पश्चात मोहल्ले, चूँकि ये मुस्लिम बहुल मोहल्ला है, उनके द्वारा समूह में जो युवक है उसके घर पर पथराव किया गया और उनसे बच्चों की गई। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, कड़ी कार्रवाई होगी, दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। इंस्पेक्टर सहित दो सिपाहियों के चोटिल होने की सूचना है? नहीं, ऐसी कोई बात संज्ञान में नहीं आई है और न ही जैसा कि कहा जा रहा है इसका कोई तिरंगा यात्रा से कोई संबंध है। लोग घुसते हमारे घर में, लड़के हमारे हाथ से पकड़ लिए और कहीं बोल, तो हम कहा कि नहीं हो क्या करें, तो हमारे इसे सीना पर कट्टा रख दिए और कहीं तो उसको मार देंगे। तो जो जैसे बोल गए वो नहीं लगी, तो हमने तो सही वह करा और हमने तो हमारे बच्चों ने सब चिल्ला कर तो सब कटा। फिर हमने तकलीम कह दिया तो फोन करो वरना कोई, तो जब फोन किए तो सब उधर से सब लोग भजा कर इतना हुआ। लड़की हमारी है तो लड़की क्या लड़की रही घर पर, ये देखिए सर, ये है अरे हमारे साटा तोरो को इनको मीटेड है सब तोरो को, ये हमारी छत पर गिरे है सीमा बोल छत पर खिड़की अब पत्रकार साहब छत पर देख लियो छत पर हाँ छत पर। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।